Hello students, and welcome to the class. Today we are going to read a very inspiring poem written by H.W. Longfellow, and the name of the poem is A Psalm of Life. A Psalm of Life, written by H.W. Longfellow. H.W. Longfellow ne ye kavita likhi hai. This is your poem 1. This is your poem 1, A Psalm of Life. Psalm. Devotional song. A devotional song. Song samajhte? Geet. जीवन का गीत. ये कविता जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है जीवन का गीत. सैम मीन्स सॉन्ग. ओके, फॉलो मी. टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, फॉर द सोल इज डिड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम. द पोएट सेज, tell me not in mournful numbers, don't tell me in sad songs, don't tell me in sad verses that life is nothing, it's just meaningless, it is useless. Kavi keh rahe hain yahan pe H.W. Longfellow ki mujhe dukhad geet, mournful numbers suna kar mat batao ki zindagi kuch nahi hai, nirarthak hai. Empty dream है, खाली है, waste है, ऐसा मुझे बिल्कुल मत बताओ. दुखद गीत में कई कवि जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा pessimistic होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, वो ज़िंदगी को एकदम it is useless, it is meaningless, it is unreal ऐसा बोलते हैं. लेकिन यहाँ जो जिस कवि की अभी हम कविता पढ़ रहे हैं, अमेरिकन पोएट मिस्टर एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो, ये कहते हैं मुझे मोर्नफुल नंबर्स में, दुखद गीतों के द्वारा मुझे बिल्कुल मत बताओ कि जिंदगी खाली है, निरर्थक है, सपना है, ऐसा मत बोलो. For the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Soul is dead that slumbers. आदमी मरता है, but soul never dies. आत्मा नहीं मरती, it merely goes to sleep for a short while. थोड़ी देर के लिए वो सोने चली जाती है. आदमी के मरने से उसकी आत्मा मर जाती है क्या? No, never. सिर्फ उसकी आत्मा it goes to sleep for a short while. थोड़ी देर के लिए सोने चली जाती है. Slumber means sleep, नींद लेना. And things are not what they seem. जैसा हम देखते हैं चीजें वास्तव में वैसी नहीं है. हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं, things are what they appear to be. Things वैसी हैं, चीजें वैसी हैं जैसी वो दिखती हैं, ऐसा नहीं है. हमारे देखने का दृष्टिकोण होता है जिसकी वजह से हमको चीजें वैसी नजर आती हैं, पर चीजें वास्तव में वैसी नहीं होती हैं. पहला स्टैंजा क्लियर हुआ आपको? कवि कहते हैं कि मुझे दुखद गीतों से, सैड सॉन्ग से, मोर्नफुल नंबर्स से, रोने वाले गीतों से मत बताओ कि जिंदगी बेकार है, खाली सपना है. आत्मा नहीं मरती, मृत व्यक्ति की आत्मा सिर्फ कुछ देर के लिए सोने चली जाती है, और चीज़ों को हम जैसा देखते हैं वो रियली वैसी होती नहीं है. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. जिंदगी ट्रू है, रियल है, अर्नेस्ट है. एक वा
वास्तविक चीज है, रियल है लाइफ। Dust thou art, to dust returnest was not spoken of the soul. You are dust and you have to return to dust. As the Bible says, it is not spoken of the soul. Life is real, life is earnest. जिंदगी वास्तविक है, जिंदगी मीनिंगफुल है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जिंदगी का लक्ष्य ग्रेव नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का अंत मौत नहीं है। ग्रेव का मतलब कब्र, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिंदगी कैसी है, वास्तविक है, अर्नेस्ट यानी मीनिंगफुल है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मौत जो है वो जिंदगी का अंत नहीं है। डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। हम मिट्टी के बने और हमको मिट्टी में मिल जाना है, ऐसा कहा है बाइबल में, पर ये बात सोल के लिए लागू नहीं होती, आत्मा के लिए ये चीज लागू नहीं होती। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिंड एंड ऑफ वे। जिंदगी में हमारा लक्ष्य ना सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना होना चाहिए और ना ही सिर्फ रोना होना चाहिए। हमारे पास खूब पैसे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि हमारी लाइफ, आवर लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड, खूब एंजॉय करो। जिसके पास कुछ नहीं है वो रोता रहे, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों गलत कर रहे हैं। ना एंजॉय करना जिंदगी का लक्ष्य है और ना ही दुख मनाना, जो हमारे पास नहीं है उसको लेके अगर हम रोते रहें, ये भी हम गलत कर रहे हैं। बट द एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। तो हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? हमारी जिंदगी का लक्ष्य है एक्ट, एक्शन, काम करना, वर्क, बी प्रोग्रेसिव। और काम भी किस तरह से करना? दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। हम आज काम करें और जब हम कल पलट के देखें और कल काम करें तो हम देखें हम आज से कितना आगे निकल गए। कहने का मतलब हमको प्रगतिशील होना है। जब हम ये सोच लेते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां हम अपनी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहे हैं, वहां हम अपनी प्रगति को चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं। जहां हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पास में साधन नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हम सिर्फ रोना रोते रहते हैं कि कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, आई एम अ टोटल फेल्योर, तो हम फेल्योर बन जाते हैं। हम जैसे सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो यहां पे H.W. लॉन्गफेलो कह रहे हैं कि ना खुशी मनाना और ना ही दुख करना, दोनों ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? वर्क, एक्शन, एक्ट, काम करते चलो, करते चलो, और काम इस तरह से करो हम आगे से जब पीछे मुड़ के देखें हम कितने आगे निकल आए हैं, हमने कितना अचीव कर लिया, हमने कितना एकम्प्लिश कर लिया, हमने कितना पा लिया। लगातार काम करें, लगातार मेहनत करें और पीछे मुड़ें और देखें कल से हम कितने आगे आ गए। हर दिन अगर हम ये सोचें कल हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज देखो हम और आगे निकल आए, फिर नेक्स्ट आया टुमारो, फिर हम देखें पीछे, अरे हम और आगे निकल आए, ये होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवैक ऑफ लाइफ, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. This world is like a field of battle. ये जिंदगी तो युद्ध क्षेत्र है, आपको लड़ना है दुश्मनों से, बुराइयों से, अपनी प्रॉब्लम्स से।
हमारे अंदर भी ढेरों बुराइयां हैं, हमको उनसे भी फाइट करना है, हर चीज से फाइट करके आगे निकलना है। दिस वर्ल्ड इज लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल एंड वी आर लाइक सोल्जर्स। बिवोएक नाइट कैंप फॉर सोल्जर्स। तो जैसे सैनिकों का कैंप होता है, वैसे ये दुनिया हमारे लिए कैंप है। एंड वी आर लाइक सोल्जर्स, हम सब सैनिक हैं। और इस युद्ध क्षेत्र में बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। आपको कैटल को देखा है, भेड़ बकरी को देखा है, उनको जिधर टेंड करो, उनको जिधर भगाओ वो उधर ही जाते हैं ना। क्या हमको ऐसे ही बनना है? डम्प ड्रिवन कैटल। डम्प ड्रिवन कैटल मींस गूंगे जानवर, जिनको सिर्फ जिस दिशा में दौड़ा दिया जाए, जिस दिशा में हांक दिया जाए वहां उनको चलना है। और हम अगर अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ देंगे तो हम भी डम ड्रिवन कैटल हो जाएंगे, जिनको फेट यानी भाग्य दौड़ाएगा। जब हम एक्ट नहीं करेंगे, जब हम काम नहीं करेंगे, तो हमारा भाग्य हमको जिस दिशा में दौड़ाएगा हमको दौड़ना पड़ेगा। यहां लेखक कवि कह रहे हैं कि मेयर पैसिव फॉलोअर ऑफ फेट, भाग्य जिस दिशा में ले जा रहा है, निष्क्रिय होके उसी दिशा में चले जा रहे हैं, ऐसा हमको नहीं बनना है। टेक होल्ड ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी को पकड़ो, कंट्रोल करो एंड बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। सोल्जर बनो, लीड करो अपनी लाइफ। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कवि ने आपको बताया, ना सिर्फ खुशी मनाना, ना सिर्फ दुख मनाना हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है वो युद्ध क्षेत्र है और हम वी आर लाइक सोल्जर्स। तो सोल्जर कैटल जैसे नहीं होते कि कैटल को जिस दिशा में टेंड कर दिया उसी दिशा में वो चलते हैं, उसी डायरेक्शन में वो चलते हैं। हाँ, नहीं बनना है हमको सोल्जर्स की तरह से लड़ना है। जिंदगी के हर ऑड सर्कमस्टेंसेस, हर विपरीत परिस्थितियों को फेस करना है, भागना नहीं है उन परिस्थितियों से। सामना तो करो, रुको तो सही, देखो तो सही ओपोनेंट कौन है। आप खड़े होके एक बार देखो उसको, आपका ओपोनेंट खुद, आपके ऑड सर्कमस्टेंसेस खुद आपसे पीछे हो जाएंगे और रास्ता दिखने लगेगा। जब तक हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। जैसे ही हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखेंगे, समाधान को देखेंगे, प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। दिस हैपेंस, ऐसा होता है। और कवि कह रहे हैं आपको कि जिंदगी जो कि एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, आप उस युद्ध क्षेत्र में सैनिक की तरह से रहिए, कैटल की तरह से नहीं। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट। आपको भविष्य कितना भी सुनहरा दिख रहा हो, बहुत पैसे हैं, बहुत ये है, मेरे को कोई कमी नहीं होना है, देखना मेरा भविष्य बहुत ब्राइट होगा। फ्यूचर इज येट टू कम। भविष्य अभी आया नहीं है। आ गया क्या? नहीं। कल क्या होगा आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो आज से आप जितना सुनहरा भविष्य देख रहे हो, अभी उसका भरोसा मत करो। कब आपके सामने विपरीत परिस्थिति आके खड़ी हो जाएगी, यू विल नेवर नो। तो ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य का बिल्कुल भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। भविष्य को मत सोचो, भविष्य कितना भी अच्छा दिखे, जरूरी नहीं है आपका भविष्य उतना ही अच्छा हो। और जो पास्ट है, जो बीत चुका, वो तो भूतकाल है, इट्स ऑलरेडी डेड। आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो क्या? कैन एनीबडी चेंज हिज और हर पास्ट? नो,
जो हो गया वो हो गया, वो तो मर चुका, खत्म हो चुका, वो पास्ट था, वो भूतकाल था। अब उस पे रोने से, टेंशन लेने से, सोचने से कोई फायदा नहीं। भविष्य मत देखिए, भविष्य आपने नहीं देखा। यहां से भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, हो सकता है कल परिस्थितियां पलट जाएं। भूतकाल वो तो मरा हुआ है, उसका क्या भरोसा करोगे, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो उस पे भी अब अपना समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं। एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ प्रेजेंट, सिर्फ वर्तमान, अब अभी। और इस प्रेजेंट को आप भूतकाल में मत बदलने दीजिए, इसमें काम कीजिए, लगातार काम कीजिए। एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। और कैसे काम कीजिए, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। अपने अंदर, हार्ट विद इन, साहस रखो, बी एनकरेज्ड, और ऊपर सिर्फ ईश्वर का विश्वास करो। बाकी किसी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जो बीत गया खत्म हो गया, जो आगे है वो फ्यूचर है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है प्रेजेंट, आज पे। तो जस्ट एक्ट, जस्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। भरोसा आपको किसका करना है, ऊपर वाले का, और अपने अंदर क्या रखना है, करेज यानी साहस। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अपने अंदर साहस रखिए, अपने अंदर करेज रखिए, और सिर्फ ऊपर वाले का भरोसा कीजिए, वो आपका साथ देगा। लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस। जितने महापुरुष हुए हैं उनकी जिंदगियां हमको याद दिलाती हैं, रिमाइंड करती हैं। वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम, कि हम भी अपने जीवन को सबलाइम, नोबल एंड हाई बना सकते हैं। कोई भी महापुरुष बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रॉस्परस पैदा नहीं हुआ था। हर महापुरुष ने पहले स्ट्रगल किया है, पहले तकलीफ पाई है, पहले दुख झेला है, उसके बाद ही उसको कुछ हासिल हुआ है। तो उनकी जिंदगियों को देखिए तो आपको लगेगा कि आप भी अपनी जिंदगी को सबलाइम बना सकते हैं, उच्च और आदर्श बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और जब यहां से विदा हो, जब इस संसार को छोड़े, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। जैसे आज आप महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, उनके फुटप्रिंट्स बने हैं, उनके नक्शे कदम बने हैं, उनके पैरों के निशान उनके एक्शंस के रूप में है, उनके कार्यों के रूप में है। उसी प्रकार से आपको भी फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सॉले मेन अ फॉरलॉन एंड शिपरिकेट ब्रदर सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन। जैसे महापुरुषों ने आपको दिशा दिखाने के लिए अपने कार्यों के फुटप्रिंट्स छोड़े, पैरों के निशान छोड़े, ग्रेट एक्शंस जो उन्होंने किए वो निशान देख के आप उनका एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, उसी तरह से आप अपने एक्शंस को रखिए, आप अपने कार्यों को रखिए और पैरों के निशान छोड़िए ऑन चेंजिंग सैंड्स ऑफ टाइम। रेगिस्तान की रेत होती है ना बेटा, वो एक जैसी होती है, जैसे ही आंधी आई रेत का नक्शा बदल गया, वैसे ही समय बदलता है। आपके कार्य रहने चाहिए, उनका उदाहरण रहना चाहिए, उनका एग्जाम्पल रहना चाहिए। कैसा एग्जाम्पल रहना चाहिए, सेलिंग ओवर लाइफ सॉलेम मेन। जिंदगी में, जिंदगी जो एक सॉलेम मेन है, गहरा समुद्र है, उस गहरे समुद्र में तैरता हुआ एक आदमी, अ फॉरलॉन एंड शिपरेक्ड ब्रदर। फॉरलॉन लोनली, एक अकेला आदमी जिसका जहाज डूब चुका है,
कहने का मतलब जो जिंदगी की लड़ाई में खुद को अकेला पा रहा है और बहुत विपरीत परिस्थितियों को बहुत ऑड सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहा है, सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन, आपके पैरों के निशान देख के उसको ताकत आ जाए, ही शुड बी इनकरेज्ड, उसको साहस आ जाए आपको देख के कि अरे ये ऐसा तो मैं क्यों नहीं, मैं अपने जिंदगी के इस समुद्र को तैर के पार क्यों नहीं कर सकता। ऐसे कदमों के निशान छोड़ के जाइए, ऐसे कार्यों का उदाहरण छोड़ के जाइए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए उठिए, तैयार हो जाइए, कार्य करना शुरू कर दीजिए विद ए हार्ट फॉर एनी फेट। कोई जरूरत नहीं आपका रिजल्ट क्या होगा इस बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। A heart for any fate. सिर्फ काम हमारे हाथ में होता है, काम का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। काम करना हमारे हाथ में है, उसका परिणाम अच्छा होगा बुरा होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो हम अपने आप को इतना साहसी क्यों ना बनाएं कि जो भी हमारा भाग्य अच्छा हो बुरा हो, हम में इतनी ताकत है कि हम झेल जाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये ताकत हम में आनी चाहिए। जब ये ताकत हम में रहेगी तो ये ताकत हमारा एग्जाम्पल देख के, हमारा उदाहरण देख के उस आदमी को मिलेगी जो अपने जीवन में बहुत 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 विपरीत परिस्थितियों को फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लगे रहिए लक्ष्य के पीछे, उपलब्धियां हासिल करते रहिए लगातार। एंड लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सीखिए मेहनत करना और इंतजार करना। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आपने मेहनत की और तुरंत आपको उसका रिजल्ट हासिल हो गया। कई बार देर से उसका परिणाम हासिल होता है, रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन ये सोच के कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमको परिणाम नहीं मिल रहा है, हम मेहनत करना छोड़ दें, ये क्या सही है? नहीं, मेहनत करना सीखिए एंड वेट करना सीखिए, इंतजार करना सीखिए। आप जैसे इंतजार करेंगे आपको आपके कार्यों का फल अच्छा निश्चित रूप से मिलेगा। कविता समझ में आ गई अच्छे से, एकदम क्लियर, सैम ऑफ लाइफ। अब बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको जल्दी से अपन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द नेचर ऑफ लाइफ। कवि के अनुसार नेचर ऑफ लाइफ, जिंदगी की प्रकृति कैसी है? कवि के अनुसार जिंदगी की प्रकृति कैसी है? क्या अनरियल है, मीनिंगलेस है, अवास्तविक है, उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा है? नहीं, जिंदगी की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और मीनिंगफुल। आंसर वन, अकॉर्डिंग टू द पोएट द नेचर ऑफ लाइफ Life is real and earnest. जिंदगी की प्रकृति वास्तविक है, जिंदगी की प्रकृति मीनिंगफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य है प्रगति करना, है ना? आंसर टू, द रियल एंड ऑफ लाइफ, एंड का मतलब होता है लक्ष्य, है ना? द रियल एंड ऑफ लाइफ इज टू बी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील होना। जिंदगी का जो लक्ष्य है वो प्रगतिशील होना है, ना कि खुशी मनाना या दुख मनाना। तीसरा है, हाउ इज दिस वर्ल्ड लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल, ये दुनिया युद्ध क्षेत्र क्यों कही गई है?
दुनिया युद्ध क्षेत्र इसलिए कही गई है क्योंकि हम दुनिया में बहुत तरह की परेशानियों को फेस करते हैं, और हमको कैसा होना चाहिए? सैनिकों की तरह से, है ना? हमको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, हमको अपना भाग्य खुद बनाना है। आंसर 3, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल एंड वी आर लाइक सोल्जर्स we should not behave like driven cattle we should be hero in the strife next question what has the poet to say about the past and the future kavi ne past aur future ke bare mein kya kaha hai पास्ट तो खत्म हो गया, जो बीत गई वो बात गई, और जो फ्यूचर में है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, है ना? द पोएट सेज दैट पास्ट इज Dead already, and we have no control over our future, over our future. So We should not worry about our past and future. हमको कोई भी वरी करने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन? महान लोगों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? महान लोगों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उनके जैसा महान हम भी बन सकते हैं। वी लर्न From the lives of great men, great men, that we can also make our lives sublime. We can also make our lives sublime. Sublime means high and noble. हम भी अपनी जिंदगियों को कैसा बना सकते हैं? उच्च और आदर्श। 3 तक हो गया बेटे? Okay. Now the last question is What is the poet's message to us?
कवि का हमारे लिए क्या संदेश है, क्या संदेश दे रहे हैं कवि, क्या कहना चाहते हैं? कवि का संदेश है कि हमें, वेरी गुड, और प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, काम करना चाहिए, और ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे कामों को देखकर दूसरे लोग जो अपनी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति फेस कर रहे हैं उनको साहस मिल सके। द पोएट asks us, asks us, to act in such a way that following our footsteps others may achieve something and fight against odds. We also learn to labor and to wait. We also learn to labor and to wait. So, this was a poem, A Psalm of Life. Write down all the answers. That is all for now. See you in the next class. Thank you.